हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज का डिजाइनर पॉपुलर सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और सिंगाना सीखेंगे और इसमें हम पैड भी लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये ब्लाउज डीप नेक पे रहेगा और देखिए यहाँ पे हमने स्लीव पे खूबसूरत सा डिजाइन भी बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये 80 सेंटीमीटर की लाइनिंग ली है और ये हमारा मेन कपड़ा है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग अपनी लाइनिंग पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसे हम बैक ओपन बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे लाइनिंग को टू फोल्ड करके रखा है, नीचे से एक लाइन मार करके हमने कपड़े को सीधा कर लिया है। फ्रेंड, और देखिए हाफ इंच हम हुकाई के लिए मार्क कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अपने ब्लाउज की लेंथ लेंगे। हमारी ब्लाउज की लेंथ 14 इंच है, 1 इंच मार्क प्रेस करके हमें 15 इंच ले लेना है। शोल्डर हम यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे। फ्रेंड, 36 चेस्ट का है ये डीप नेक के अकॉर्डिंग। आर्म होल 6 इंच लेना है। आप आर्म होल अपने स्लीव राउंड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 6 साढ़े 5 भी ले सकते हैं। फ्रेंड, और देखिए चेस्ट 36 है, उसका चौथाई लेना है 9 इंच। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड, जहाँ से तैयार है उसको इस तरह से हाफ करेंगे, फिर एक बार हाफ करेंगे तो जितना आएगा वही हमारा बैक पार्ट का आर्म होल होगा। ये देखिए हम आर्म होल का शेप दे देते हैं। कमर यहाँ पे हमारे 30 इंच है। फ्रेंड, उसका चौथाई लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच टक्स का लेंगे। 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। इसी लाइन के अकॉर्डिंग हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। फ्रेंड, अगर इसी लाइन के अकॉर्डिंग फिटिंग लगाते हैं तो। अब देखिए गले की चौड़ाई हमने यहाँ पे 2.5 इंच लेनी है। लेंथ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नीचे इसकी पट्टी 3 इंच रखेंगे और यहाँ की ब्रॉडनेस देखिए 4 इंच की रखेंगे। फ्रेंड, इस तरह से हमारा जो लेंथ आएगा गले का वो 11 इंच की लेंथ आएगी। फ्रेंड्स, और देखिए इस तरह से करके हमने गले की लाइन को मार्क कर लेना है और मटका शेप दे देना है। फ्रेंड, देखिए इस तरह से करके हमने गले का शेप देना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने 1/2 इंच डाउन करना होता है गले को, तो हम देखिए यहाँ पे गले की साइड शोल्डर को डाउन करते हैं, इससे हमारा गला गिरता नहीं है। फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए 1/2 इंच हम इस तरह से उठाएंगे। इसको उठाने से हमारे आर्म होल के पास जो सिलवट आती है वो नहीं आएगी, झोल नहीं आएगा। अब देखिए जहाँ से हमारा तैयार कमर है वहाँ से इसको हाफ करेंगे टक्स लगाने के लिए। टक्स की लंबाई अपने गले की लंबाई के अकॉर्डिंग रखते हैं, गले की लंबाई से ऊपर नहीं जाना चाहिए हमारा टक्स। और देखिए बैक का टक्स हम 1/2 इंच पे लगाते हैं। फ्रेंड, बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तैयार पे कट लगा लेंगे। ये देखिए गले पे भी हम कट लगा लेंगे। और जो हमने शोल्डर को डाउन किया है और 1/2 इंच हमने बैक पार्ट को उठाया है, इसको भी कट नहीं करेंगे। इसे हम पेपर पे पहले बैक पार्ट को उतार लेंगे, इसके बाद इस सारे पार्ट को हम कट करेंगे। फ्रेंड, ये देखिए शोल्डर को जो हमने डाउन किया उसको कट कर लेंगे। और यहाँ का भी जो हमने ये देखिए तिरछा मार्क किया है इसको भी कट कर लेंगे जब हम बैक पार्ट को उतार लेते हैं फ्रंट पार्ट के लिए, तो इसके बाद करते हैं। अब देखिए हमने शोल्डर डाउन किया, फ्रेंड, उसको भी मार्क कर लेंगे। बैक पार्ट को हटा लेना है। अब यहाँ से देखिए अपने गले की लेंथ लेंगे। फ्रेंड, हमारी गले की लेंथ यहाँ पे 6.5 इंच है। टक्स पॉइंट हमारा यहाँ पे 10 इंच है। फ्रेंड्स, ये देखिए टक्स पॉइंट की चौड़ाई जो लेंगे, चेस्ट का 10वां लेते हैं, 3.6 पे लेंगे। अब देखिए गले को मार्क कर लेंगे। इसमें हम 5 शेप का गला बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी गला बना सकते हैं। टक्स की चौड़ाई यहाँ पे हमने 3.6 ली है। नीचे की साइड हमने 3 इंच ली है फ्रेंड, क्योंकि 1/2 इंच हमने कम लिया है ऊपर से, क्योंकि इसमें हमने टक्स की मार्किंग की 1/2 इंच की। और देखिए फ्रेंड, 2 इंच की हम टक्स लगाएंगे। 2 इंच की टक्स को हमें इस तरह से मार्क करके टक्स का शेप दे देना है। अब देखिए शोल्डर को इस तरह से नापेंगे, हम शोल्डर का हाफ करेंगे। ये सब्यसाची का ब्लाउज है। फ्रेंड्स, ये देखिए इस शोल्डर को हमने यहाँ से हाफ किया, इस लाइन को यहाँ पे लाके मिला दिया टक्स वाले मार्क में। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं लेंथ को, इस तरह से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 इंच की इसमें टक्स लगाई है, 2 इंच का हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे। जितनी हमने इसमें टक्स लगानी होती है फ्रेंड, उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं टक्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए अपने बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से रख के हम इसको मार्क कर लेंगे ताकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों बराबर आए। और देखिए इस तरह से शेप दे देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम जो अलग से डिजाइन बनाने वाले हैं इसके लिए हमने यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। इस तरह से 3 इंच पे एक लाइन और मार्क कर देना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने पूरी लाइन को पूरे पार्ट में ला के मिला देना है।
यहाँ पे देखिए टक्स वाली लाइन को भी हम पूरी लेंथ मिला के मिलाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड, हमने इस कटिंग करने के पहले आर्म होल को हमने देखिए गहराई नहीं दिया था, इसमें आर्म होल पे गहराई दे देनी है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम आर्म होल पे गहराई दे देते हैं। आप चाहे तो इसे बाद में भी गहराई कर सकते हैं सिलाई करते समय। तो यहाँ पे देखिए हम आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं, ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं अच्छे से। आर्म होल की कटिंग करने के बाद ही हम इस पार्ट को अलग करेंगे फ्रेंड, और गले को भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हाफ इंच यहाँ पे टक्स के पास हम कट लगा लेंगे, और हाफ इंच की टक्स हम इसमें से और निकालेंगे, क्योंकि जब हम इसमें मार्किंग करेंगे फ्रेंड तो इसमें मार्जिन के साथ इसको जोड़ दिया जाता है, तो इससे पहले हम इसको हाफ इंच निकाल देते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमारी टक्स की लेंथ है। इसके बाद हमने जो कपड़े की लेंथ एक्स्ट्रा बढ़ाई है उसको हम इस तरह सीधा रखेंगे। दोनों साइड से हमने हाफ हाफ इंच की टक्स को निकाल देना है, क्योंकि इसमें मार्जिन प्लस होगा फ्रेंड तो हमारी टक्स कम हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से भी हमने हाफ इंच की टक्स को निकाल देना है। 2 इंच की टक्स हमने लगाए थे फ्रेंड, उसमें से हमने हाफ हाफ इंच और निकाला है। ये देखिए ये हमारा मार्जिन में कवर हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ से दोनों साइड से हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा निकाल दिया फ्रेंड। 2 इंच की जगह पर हमने 3 इंच की टक्स की मार्किंग कर ली है। अब देखिए सारे पेपर को हमने लाइनिंग पे रख के कट कर लेना है फ्रेंड, और देखिए इस तरह से मार्किंग को उतार लेना है। अब यहाँ पे देखिए हाफ इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, इसी मार्जिन के लिए हमने फ्रेंड्स हाफ इंच का टक्स और अलग उसमें से कट किया है। अब देखिए दूसरा पार्ट लेंगे, दूसरे पार्ट को पहले एज इट इज उतारेंगे, और फिर देखिए इसमें भी हमने हाफ इंच का मार्जिन लेना है इस साइड से। ये देखिए ये जो मार्जिन ले रहे हैं फ्रेंड इस हमारी सिलाई में जाएगा इस तरह से। अब देखिए अपने पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, और जहाँ पे हमारी टक्स है फ्रेंड वहाँ पे कट लगा लेंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कटिंग करनी है। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से करके हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है, और देखिए इस पार्ट को हम रखेंगे जहाँ तक हमारा बैक पार्ट है फ्रेंड उसको हम मार्क कर लेंगे, अपने लाइनिंग पे उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक हमारा बैक पार्ट आएगा, कट लगा लेंगे फ्रेंड ताकि हमको पता चले कि कहाँ तक हमको बैक पार्ट को रखना है। ये देखिए फ्रेंड जहाँ पे हमारा टक्स आएगा वहाँ पे देखिए इस तरह से हमने हल्की सी गोलाई दे देनी है और मार्किंग कर लेनी है फ्रेंड, यहीं से हम इस पर कप लगाएंगे। अब देखिए सारे पार्ट को अपने कपड़े पे कट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो हमने सारे पार्ट को कपड़े पे कट कर लिया, अब इसके स्लीव की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड स्लीव की लेंथ हमारी यहाँ पर 12 इंच है, 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे इसमें, और ये जो चौड़ाई लेंगे स्लीव की इसे हम चेस्ट का चौथाई लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर 8.5 इंच ही है, 1/2 इंच हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है। देखिए इसको हल्का सा पीछे करके इस तरह से रखेंगे कि हमारा पूरा कपड़ा 9 इंच का आ जाए। अब देखिए हमारा 9 इंच का आ गया फ्रेंड्स, इसमें हम 1 इंच की पट्टी अलग से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 इंच इस तरह से करके कम करना है, और 2 इंच पे देखिए यहाँ पे मार्किंग करनी है फ्रेंड्स स्लीव का शेप देने के लिए, और देखिए इस तरह स्लीव का शेप दे देना है। अब देखिए स्लीव राउंड यहाँ पर हमारा 9.5 इंच है, तो हमने 4.25 इंच भी मार्क कर लेना है, 2 इंच का मार्जिन लेना है फ्रेंड, और यहाँ पर देखिए कटिंग और फिटिंग के पॉइंट को मिला देना है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड अब इस पे हम तैयार पे कट लगा लेंगे सेंटर पे, और यहाँ पे देखिए जो हमारा कपड़ा इतना कम है फ्रेंड्स में हम जॉइंट लगाएंगे, सिलाई करते समय इसमें हम जॉइंट लगा लेंगे। इस तरह से हमने सारे पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की पहले सिलाई करनी है, तो सबसे पहले अपने गले को कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए हमने 1/2 इंच की पट्टी गले के साइड छोड़ देना होता है, ताकि हमारा गला बैठाने में आसानी रहे। इस तरह से गला अच्छे से बैठ जाता है। अब देखिए अपने दोनों पार्ट को इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड शोल्डर से हम इसको ज्वाइंट करते हैं, और 1/2 इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग हम इस पर सिलाई करेंगे जितना हमने सिलाई कटिंग करते समय मार्जिन लिया था। ये देखिए फ्रेंड तो सिलाई में हमारा इतना मार्जिन जाता है, इसलिए हमने टक्स से 1/2 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा और निकाला था फ्रेंड,
कुल मिला के इस तरह से हमने 2 इंच की टक्स लगाई थी, तो हमारी टक्स 3 इंच की हो गई थी। ये देखिए सिलाई को डबल कर लेना है, परफेक्ट उभार आता है फ्रेंड्स इस ब्लाउज में। और देखिए हम दूसरा पार्ट भी इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे दूसरी साइड का। यहाँ पे देखिए हमने दोनों साइड के पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब अपने हमने पार्ट को फोल्ड कर लिया, देखिए सेंटर से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, जहाँ तक हमारा बैक पार्ट, पहले उसकी मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स, इसकी लाइन को डार्क करेंगे, यहाँ तक हमारा बैक पार्ट आएगा। अब देखिए फिटिंग की मार्किंग भी कर लेते हैं। चेस्ट हमारा 9 इंच है, कमर 7.5 इंच है फ्रेंड्स। यहाँ तक हमने अपनी फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है शेप देने के लिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अपने ब्लाउज की लेंथ जो है हमारी 14 इंच है, और हमने यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो देखिए 16-17 इंच पे हमने लेंथ इसकी बढ़ाई है इसका शेप देने के लिए, इसका डिजाइन बनाने के लिए। फ्रेंड ब्लाउज की लेंथ 13-14 इंच है फ्रेंड, उसमें हमने 3 इंच और ऐड किया है, तो 16 इंच हमारी लेंथ आएगी, 1 इंच मार्जिन का रहेगा। तो देखिए हमें 17 इंच पे इस तरह से शेप देना है। अब देखिए बैक पार्ट को इस तरह से लेना है फ्रेंड, बैक पार्ट के बराबर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख कर लेना है, और शेप को देखिए इस तरह से कट कर लेना है फ्रेंड्स, ताकि दोनों पार्ट हमारा बराबर से रहे। ये देखिए इस तरह का डिजाइन आएगा हमारे ब्लाउज में, जहाँ कैसे एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है फ्रेंड कट कर लेंगे शेप के अकॉर्डिंग। देखिए परफेक्ट उभार आता है इस ब्लाउज में। अब देखिए फ्रेंड्स शेप के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग करी है। देखिए फ्रेंड्स सेम इस तरह से अपने कपड़े को हम सिलकर बना लेंगे इसी शेप में, और देखिए दोनों को हमने इस तरह से एक बराबर कट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड लाइनिंग वाले पार्ट पे हम पैड लगाएंगे, यानी कप लगाएंगे फ्रेंड। देखिए हमने सेंटर पे जो जहाँ पे हमारा टक्स आया था, टक्स की लेंथ आई थी फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने इस तरह लाइन को मार्क कर लिया है। अब कप को देखिए फ्रेंड हमने उल्टा कर लिया है, इस पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, दोनों कप पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे फ्रेंड। और देखिए जो हमारे कप का सेंटर है, टक्स के सेंटर पे इसको रखेंगे, जहाँ पे हमारे टक्स की लेंथ है फ्रेंड्स वहाँ पे इसको रखेंगे, और देखिए इस तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दोनों कप को लगा लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमने दोनों कप को इस लाइनिंग पे लगा लिया है। अब देखिए अपना कपड़ा लेंगे फ्रेंड, कपड़े को हमने सीधी साइड से रखना है, सेंटर की मार्किंग कर लेनी है इसके ऊपर। देखिए फ्रेंड लाइनिंग को हमने इस तरह से रखना है। अब देखिए जो हमने कट लगाया है, कट पे हम पिन लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा इक्वल रहे, सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए, कपड़े और लाइनिंग के सेंटर को मिलाते हुए फ्रेंड इस तरह से पिन लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए गले के शेप के अकॉर्डिंग एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमने सिलाई कर लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने नीचे की साइड भी सिलाई कर लेनी है शेप के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसे हम यहाँ से गले से और नीचे से पलटेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हम सिलाई करेंगे, और सेम लाइनिंग और कपड़े का जो जॉइंट है फ्रेंड्स एक जगह मिलना चाहिए, दोनों कपड़ा हमारा बराबर आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट एकदम इक्वल है, और अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कट कर लेंगे, गले के कपड़े को भी निकाल देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, कट्स लगाने से हमारा कपड़ा अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठ जाता है। गले पे और नीचे की साइड में कट लगा लेना है, और देखिए फ्रेंड यहाँ से इसको हम अच्छी तरह से पलट लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको पलट लेना है, और देखिए फ्रेंड ऊपर से गले पे हम सिलाई चलाएंगे ताकि हमारे गले पे अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। आप चाहे तो इस पर प्रेस लगा लें फ्रेंड्स, ये देखिए अच्छे से सिलाई को चला लेना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने कॉर्नर को निकाल लेना है और शेप के अकॉर्डिंग ही हमने इस पर सिलाई चलानी है फिनिशिंग के साथ, कहीं से झोल नहीं आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से कॉर्नर को निकाल के इस पर सिलाई चलानी है। अब देखिए, इसको हम उल्टा उल्टी साइड से रखेंगे, चारों तरफ अच्छी सिलाई डाल के फ्रेंड्स एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, हमने बैक फ्रंट पार्ट की सिलाई कर ली है। अब इसे देखिए, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और एक शेप मार्क करके फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग इस पर लेस लगाएंगे। देखिए, इस तरह से करके हमने उस शेप को मार्क करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसी शेप को हमने दूसरी साइड भी उतार लेना है। पहले शेप को डार्क कर लेते हैं ताकि हमारा शेप उस साइड उतर सके। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करके हमने पलट लेना है और थपथपा कर हमने इस मार्क को इस साइड उतार लेना है। ये देखिए, हमारा मार्क यहाँ पे उतर गया फ्रेंड्स, इसको डार्क कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करके हमने इस पर लैस लगा लेनी है शेप के अकॉर्डिंग। पहले गले पे लैस लगा लेते हैं। देखिए, हमने गले पे डबल लैस लगानी है फ्रेंड, देखिए इस तरह से करके, और इस शेप के अकॉर्डिंग भी हम लैस लगा लेंगे। लेस की सिलाई को हमने डबल कर लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट बनके कंप्लीट हो गया है। ये हमारे फ्रंट का फाइनल लुक है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट हम बना लेंगे अभी। देखिए, यहाँ पे हमने बैक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। इसमें हमने लाइनिंग और कपड़े को साथ ज्वाइन कर लिया, टक्स भी लगा लिए, लेस भी लगा लिया फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा बैक पार्ट एकदम कम्प्लीट हो गया है। फ्रंट और बैक हमने कम्प्लीट कर लिया है। अब अपनी स्लीव बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्लीव पे जो यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट लगाना था, उसे जॉइंट लगा लेते हैं। देखिए, हमने एक अलग से कपड़ा ले लेना है और इस तरह सिलाई करके फ्रेंड्स एक सिलाई हमने ऊपर से और चला लेनी है। अब देखिए, इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करके हमने इसको रखना है और इसी शेप के अकॉर्डिंग हम इस पट्टी को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा जॉइंट लग गया है। इस तरह दूसरे स्लीव के जॉइंट को लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो स्लीप पे डिजाइन बनाने वाले, इसके लिए हमने पेस्टिंग पेपर ले लेना है और अपने स्लीप की लेंथ के अकॉर्डिंग हमने पेस्टिंग पेपर लिया है। और देखिए, एक हाफ इंच ऊपर की साइड, एक इंच छोड़ना है हमको हाफ 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 इंच सिलाई के लिए और हाफ इंच ऐसे ही, और नीचे की साइड भी हमने एक इंच छोड़ना है फ्रेंड्स। इसी तरह से हमने पेस्टिंग पेपर पर मार्क कर लेना है। अब पेस्टिंग पेपर को देखिए, हमने डबल फोल्ड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको देखिए, इस तरह से करके हम तीन पार्ट में फोल्ड करेंगे। इसमें हम तीन लिप की डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से करके मैंने तीन पार्ट में इसको फोल्ड किया है। देखिए, इस तरह से करके अब एक पिन लगा लेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, जितनी हमारी लंबाई है इस लिप की, उसका हाफ करेंगे और चौड़ाई यहाँ पर हमने एक इंच रखनी है। देखिए, सेंटर से हमने इसको एक इंच रखना है। और अब देखिए, अपने लिप का शेप दे देंगे थोड़ा सा राउंड देते हुए। ये देखिए, हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने आसान तरीके से हमारी लिप कट गई है एक ही बार में। अब देखिए, इस पेस्टिंग पेपर को हमने लाइनिंग पे रख के प्रेस कर लेना है फ्रेंड्स, चिपका लेना है और दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने स्लीप को लेना है, स्लीप का सेंटर लेना है और इस पट्टी का भी हम सेंटर ले लेंगे। देखिए, सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हम पिन लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम अपने पेस्टिंग पेपर पे किनारे पे सिलाई चलाएंगे शेप के अकॉर्डिंग।
देखिए फ्रेंड्स कितनी आसान तरीके से हमारे स्लीव का डिजाइनिंग बन जाएगा। इसी तरह से सेफ के अकॉर्डिंग हमको सिलाई करनी है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अब हमने पिन को निकाल लेना है और इस शेप को देखिए हम कट कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से पहले सेंटर से इसको अलग करेंगे और फिर देखिए इस तरह से इसको कट करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी पत्ती पलटा जाए। अब देखिए फ्रेंड्स इसको इस तरह से पलट लेंगे और इसके कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे, नुकीली नुकीले पार्ट को। देखिए इस तरह से इसको पलट लेना है। पलट के ऊपर से मिक्स सिलाई फिनिशिंग की चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ऊपर से हमने सिलाई को चला देना है और कॉर्नर को हम अच्छी तरह से निकालेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर है वहाँ पे मोती लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा दिख रहा है उसको कट कर लेते हैं पहले। अब देखिए स्लीव राउंड पे हम एक पट्टी लगाएंगे। इस पट्टी को देखो सिल्क के साथ से पलट लेना है। ये देखिए उल्टी साइड से इसको हम फोल्ड करके पलट लेंगे। अब देखिए स्लीव राउंड पे हम लेस लगा लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने लेस लगा लेनी है और देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पे मोती लगा लेंगे नुकीले पार्ट पे। अच्छे से देखिए तीन चार बार करके इसमें मेरे को धागे को डालना ताकि हमारी मोती अच्छे से टक हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मोती को लगा लेना है और दूसरी स्लीव भी इस तरह से बना लेनी है फ्रेंड। परफेक्ट स्लीव बन के हमारी कंप्लीट हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अपने फ्रंट पार्ट को लेना है। इसको हमने उल्टी साइड से रखना है। इसके ऊपर अपने बैक पार्ट को रखेंगे लेकिन नीचे से बराबर करते रखेंगे फ्रेंड्स। और सीधी साइड से पहले हमने एकदम किनारे पे शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। अब इसको हम उल्टा करेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स सीधी साइड से हमने शोल्डर पे एक सिलाई चला लेनी है ताकि हमारे शोल्डर का ज्वाइंट है अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पे देखिए अब अपने शोल्डर को देखिए फ्रेंड्स जहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर लेंगे और स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए स्लीव को लेना है फ्रेंड और स्लीव पे हमने गहराई नहीं दी थी तो यहाँ पे देखिए हम गहराई दे देते हैं जहाँ से हमारा तैयार है। स्लीव का सेंटर लेंगे, शोल्डर के सेंटर पर रखते हुए फ्रेंड स्लीव को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने दोनों स्लीव को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमने स्लीव को ज्वाइन कर लिया है और सीधी साइड से और फिर उल्टी साइड से हमने किनारे पे सिलाई चला ली है फिनिशिंग के लिए। अब देखिए अपनी फिटिंग लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए बटन पट्टी वाले पार्ट को छोड़ के हमने कमर का चौथाई लिया 7.5 इंच, चेस्ट का चौथाई लेना है 9 इंच। यहाँ पर छोटी स्लीव के अकॉर्डिंग हम स्लीव राउंड लेंगे फ्रेंड्स 6 इंच पर। और देखिए यहाँ पर हमारा स्लीव राउंड जो है 4.5 इंच है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने स्लीव राउंड को मिला देना है, फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। दूसरी साइड भी देखिए फ्रेंड्स इस तरह से करके मार्क करेंगे। कमर हमारी 7.5 है,
चेस्ट 9 इंच है फ्रेंड्स, 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग। छोटी स्लीव के अकॉर्डिंग स्लीव राउंड हमारा 6 इंच है। और देखिए एल्बो स्लीव के का स्लीव राउंड जो है 4.5 इंच है फ्रेंड। इस तरह से करके हमने फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना, तो तीन सिलाई फिटिंग की चला लेनी है। इस तरह से ब्लाउज की फिटिंग लगाने के फ्रेंड ब्लाउज को हम सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड हमने ब्लाउज को सीधा कर लिया है ब्लाउज को कंप्लीट करके, और इस तरह से हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक आया फ्रेंड्स। इसमें हम बेल्ट बना लेंगे, बेल्ट की वीडियो हमने इसमें नहीं डाली फ्रेंड, पिछली वीडियो में बेल्ट को बनाना सिखाया है। इस तरह से हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक आया है, यहाँ पे हुक लगा के बेल्ट को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।